राम राम जी। आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो ना? हम भी ठीक है। आज हम करने वाले हैं न्यू किचन का सेटअप। देखिए पापा जा रहे हैं, मेरी स्माइल कर रहे हैं, तो हमने दिखा दिया। बाय बाय। किचन बनेगा हमारा छत पे, क्योंकि मिट्टी वाला घर है ना, वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। अगर उसमें बनाएंगे तो फिर पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बनाएंगे ताकि मेहनत बेकार ना जाए। ये वाला घर देखिए, वहाँ पे बैठने वाला है, आधा मतलब धस गया, कब गिर जाएगा कुछ पता नहीं है। देखिए पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। किचन बनाने वाले हैं ना, ये किचन एकदम मस्त वाला है। मतलब हमने एक वीडियो में देखा था वो किचन, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना हम भी बनाएं, वो भी अपने छत पे बनाएं। इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, तो सब देखेंगे यहाँ से। यहाँ पर भी नहीं बनेगा, किचन बनेगा हमारा इस साइड में, ताकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे फिर, और किचन भी हमारा सेफ रहेगा। करेंगे पूरा सफाई, जो भी है सब कुछ यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद करेंगे। सारा बुरी हट गया है, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। ये सारे आइटम यूज करने वाले हैं। बालू गीला हो गया देखिए एकदम। लड्डू कौन कौन खाएगा? देखिए बन गया, फास्ट है, बस इसके बाद काम खत्म। पूरा क्लीन हो चुका है, अब हटाना है सिर्फ दरवाजा, जो कि हमारे बस का अकेले नहीं है, क्योंकि दरवाजे से एक बार हमको काफी खतरनाक वाला चोट लग गया था। सबसे डर लगता है अकेले उठाने में। ये हमारी आ गई है स्कूल से, वो हमारा काफी हेल्प हो जाएगा। सिन्नी का पेपर कैंसिल हो गया, जो आज होने वाला था आज नहीं होगा, किसी और दिन होगा। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं लेबर वाला काम करने के लिए। लेबर वाला काम करूंगा ब्लड ज्यादा अकेले उठा सकती हैं क्या? जल्दी आओ। इसके अंदर छिपकली है, दूठी। अब करना है सफाई, सफाई करने के बाद चालू करेंगे अपना किचन वाला काम। हो गया, अब चलते कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना वाना तो बना लिया, लेकिन सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है, तो अभी चलते खाना खा के उसके बाद हाथ लगाएंगे। जी एंड रोटी आप सब भी खाइए। खाना पीना हो गया, अब चलते हैं मिट्टी लाने के लिए खेत में। ठीक है, देखिए
रेडी हो गई बल्टी लेके। दीदी एक बल्टी और लेके आ। कौन खेत में चली? मट्टी खानने वाली रेडी हो गई है फरसा उरसा लेकर। मट्टी भरा गला वो दीदी लेके चला छत्ते पे। यहाँ से ऊपर चल चला जाएगा नहीं जाएगा? एक बार फेंका। इतना भारी है इसलिए भाई का दिमाग काम कर दिया, बोला कि देखते ट्राई करते हैं। गया ऊपर, अब वहाँ से रस्सी फेंकेगा, फिर देखते हैं जाता है कि नहीं। अगर चला जाएगा तो तब तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। दिमाग सही लगा, ट्राई करते हैं। खींचो, जब हम लोग मिट्टी भर रहे थे तो ये बकरी यहीं पे बैठी थी, इसका तबीयत भी खराब है, इसको दीदी रोटी खिला रही है। पता नहीं कौन छोड़ दिया ऐसे, प्लीज ऐसे बकरी या फिर कोई भी जानवर ऐसे ना छोड़े, मतलब बिना मम्मी के बताओ कैसे रहेगी। वो छोटी भी है, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद इसको दर्द हो रहा है तो ये हम दवाई खिला रहे हैं उसको, कोरोसिन। पहले बैठी थी, जब हमने इसको रोटी खिलाया ना तो ये ऑटोमेटिक उठ गई। ये दवाई हमने डाल दिया है, अब पी ले तो जाने। पी लो, खाली रोटी चाहिए इनको, दवाई नहीं चाहिए। पियो, अभी एक बार पानी पिए पहले है ना, तो हो सकता है अभी पानी नहीं पी रही है, कुछ समय बाद बात ट्राई करेंगे, क्या पता पी ले दवाई। जल्दी से अपना काम कर ले, बहुत टाइम हो गया है। खींचो दीदी, अपना काम करने में एकदम बिजी है। आज के लिए मिट्टी का हो गया है इतना काफी, बाकी मिट्टी कल निकालेंगे। अब चलते हैं बनाने के लिए, अब पानी आएगा बाल्टी में भर भर के। एक बाल्टी पानी ऊपर आ गया है, तब से मिट्टी में डाल देंगे कि मिट्टी फूल जाए। एक बाल्टी पानी आ गया, ऊपर आ रहा है, दीदी पानी भरकर आ गई है, अब चल रही है लिबराई बनाने के लिए, मिस्त्री बनने। मसाला बनना स्टार्ट हो गया है, इसमें गोबर डाल के तब मिट्टी बनाएगा। सब मिट्टी में से बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है और इसमें से कील भी निकला। हाँ बच गया रे, यहाँ निकल। मट्टी हो गया, चलते हैं बनाने के लिए। पहले निशान लगा लेते कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, उसके बाद शुरू करेंगे यहाँ तक फिर यहाँ तक। आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ क्या हुआ, तुम मोबाइल था? पहले मट्टी भर ले, देखते हैं बन जाता है कि नहीं। दीदी को फटाफट मिट्टी मिल जा रहा है, तो दीदी यहाँ से वहाँ लेंगी तो टाइम लगेगा। जो भी सब ईटा का टुकड़ा था सब इसी में ज्वाइन करेंगे ताकि मिट्टी कम सके। जी आप सब भी गुड़ खाइए, पानी पी लीजिए। लग रहा है दीदी पूरा एक लोटा पानी पी जाएंगी।
अब दीवार हाइट कर दिए हैं, अब रह गया है चूल्हा बनाना, तो चूल्हा आज बना देते हैं। मतलब दीवार अभी हाइट हुआ है, वो लिपाई पुताई कल होगा, जब चूल्हा मतलब जो मिट्टी है वो सूख जाएगा तब। ऊपर दिखाओ सनी, जब सूख जाएगा तो उसके बाद फिनिशिंग करेंगे मेकअप करके। पहले ईटा सरिया कर मतलब बना लेंगे अच्छे से, नहीं तो पक्का वो जमीन है। आराम से तो ये बनेगा चूल्हा। बस कुछ मिनटों बाद हमारा चूल्हा रेडी हो जाएगा, लेकिन चूल्हा सिर्फ रेडी होगा, मतलब पूरी तरह से मेकअप करके तैयार नहीं होगा, वो होगा पूरा तरह से फिनिशिंग नहीं होगा, वो बस होगा। ये वाला प्लान कैंसिल हो गया, दीदी बोल रही है गोला वाला चूल्हा बनाएंगे। वो वाला बहुत बार बनाया, इस बार गोला बनाएंगे थोड़ा सा हट के। वो ईटा हटा दिए एक और ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो ऐसे गोला नहीं हो पा रहा है। लग रहा था वैसे बहुत बेकार लग रहा था, अब भी शायद कुछ ठीक है। दीदी का चूल्हा रेडी हो गया है, अभी अच्छे से पूरा फिनिश नहीं हुआ है, वो होगा कल, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। ये देखिए मॉडर्न चूल्हा गोला। दीदी नहीं, अभी आज थोड़ा सा रेडी हुआ है, अभी रेडी होगा बाद में, हम मतलब जैसा सोचे हैं सेम वैसा ही बनाएंगे, लेकिन वो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो शायद एक से दो दिन लग जाए वैसा बनाने में। किचन अभी इतना सा हुआ है, अभी ढेर सारा काम बाकी है। अब चल रहा है ना आने के लिए, बहुत टाइम हो गया आज, हो रहा है 4, अभी को जस्ट खाली हुए हैं, तो चलिए कुछ खा लेते हैं, भूख लगा है। कहाँ भूख लगा ला? मम्मी बोल रही है दिन भर भूख लगता है तुमको। अंकल जी आए थे तो हमने ये बनाया था माट, तो ठुकवा, माट नहीं ठुकवा, ये ठुकवा, ये आधा टूटा हुआ है, तो आप सब भी खाइए। अंकल जी जा रहे हैं, ये वीडियो 18 तारीख का है, देखिए भाई जा रहा है छोड़ने। अंकल जी चले गए, 4 दिन हमारे साथ रहे, आज घर में नहीं है, तो आज घर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है। मतलब अंकल जी बहुत ही अच्छे थे, मतलब हम जो भी बना के देते थे सब खुशी से खाते थे, एकदम निस्वार्थ, मतलब एकदम खुश हो जाते, एकदम मतलब हमारी तरह थे एकदम। जाते टाइम कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जाते टाइम ना वो थोड़े से इमोशनल हो गए, मतलब थोड़े से रोने लगे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए, सीधे चले गए यहाँ से। बहुत ही अच्छे थे अंकल जी। सिलाई करने के लिए मतलब 2 दिन पहले का कपड़ा काट के रखे, अभी तक नहीं सिले हैं, क्योंकि खाली नहीं थे ना, तो अभी हम जाके सिलाई करेंगे। दीदी एकदम बिजी थी, चल रही है कि हम कपड़ा सिलेंगे दीदी, ठीक है। और यार आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, राम 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 राम, फिर मिलते हैं। अरे रुक, पागल हो गई है इस टाइम में। अगर आप डेली हमसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे बात करें। राम 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 राम।